वाह, अरे यार गिर गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज सुबह का वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया है, जो हमने खेत कोड़ा था। सो फाइनली शाम है इस समय, और अब हम जा रहे हैं जो कल का खेत हमने काटा हुआ था। सो आधा काट चुके थे, उसको आज काटना है। सो चलते हैं और काटते हैं। और अभी हम आ चुके हैं अपने ट्वेल पर। ये रहा अपना ट्वेल, देख सकते हैं। सो हमें जाना है उस छोर तक, उधर। सो चलते हैं। तो फाइनली आ चुके, देख सकते हैं ये रहा खेत। और इसे ही हम रात को काट चुके थे, और उधर बचा हुआ है, देख सकते हैं वो, उसे ही आज हमें काटना है। और आज हम व्यवस्था के साथ भी आए हुए हैं, अपना मास्क लेकर, देख सकते हैं ये। और ये ही हमें काटना है उस पेड़ तक। सो अपना मास्क लगाते हैं, चलते हैं, काटते हैं बिना देरी किए हुए। ऐसे कर कर अब चलते हैं काटने। सो उसको देख सकते हैं ऐसे काटा जाता है। कल की वीडियो में आपको बताया नहीं था, देख सकते हैं ऐसे काटा जाता है ऐसे। देख सकते हैं ऐसे ही करा जाता है। और ऐसे मास्क वगैरह ले लीजिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, मुंह और नाक में नहीं जाएगा। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, इसलिए हम वीडियो को बंद करते हैं। सो बंद करो। सो फाइनली हमने काट दिया, थोड़ा सा और बचा हुआ है इधर का। इधर सब सफाया हो चुका, बहुत ज़्यादा मूस लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खेतों को नुकसान कर दिया था। देख सकते हैं इधर, इधर देखिए, इधर। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूस ने काट दिया था गेहूं को। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब इधर का बचा हुआ है, तो इसको काट कर मिलते हैं आपसे। सो गाइस ये देखिए दौरी हो रही है, जो लाल कलर का आपको दिख रहा होगा वो ट्रैक्टर है। और उधर देख सकते हैं दौरी, पूरा अंधेरा हो गया है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन इसी कारण अंधेरा ज़्यादा हो गया है। और हमारा इधर सब काट चुके, यह थोड़ा सा बचा है। फिलहाल दो तीन ट्रैक्टर चल रहे हैं, उधर एक चल रहा है। सो वहाँ पर खड़ा है, देख सकते हैं वो भी चलेगा, और उधर एक चल ही रहा है। सो गर्दा चारों तरफ हो चुका है। सो गाइस फाइनली कल शाम हो गई थी, और हमने जो खेत काट रहे थे वो हम खेत काट चुके हैं। और आज दूसरे दिन हम आ चुके हैं वो पहले वाले खेत में, जिस दिन हम पहले काट रहे थे। सो आज हमें बांधना है इसे, देख सकते हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इस समय तकरीबन 9 बज रहे हैं, और अभी हम लोग आए हुए हैं, थोड़ी सी धूप हुई है तब आए हैं। इससे क्या होगा कि जो ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत कठोर हो जाएगा, जो कि दौरी करने में आसानी होगी, भूसा अच्छा प्रकार से होगा, छोटे छोटे टुकड़े में कट जाएगा आसानी से, सूखा रहेगा तो तभी ना कटेगा अच्छा से। और हम अभी आए हैं और लेकर आए हुए हैं हम पानी, इससे कि हमें प्यास लगेगी तो पी लेंगे। और फिलहाल में अभी हम ही आए हैं, मम्मी जी और पिताजी अभी नहीं आए हैं, वो आ रहे हैं। अभी हम यहीं पर वेट करेंगे उन लोग उनका। सो आज हम बांधेंगे अपना बोझा।
इस खेत में, और यहाँ का बोझा जब बना जाएगा तो हम चलेंगे दूसरे वाले खेत में जो कल काट रहे थे। अभी इसको बांध लेते हैं, तब तक हम पापा और मम्मी जी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है जहाँ पर मैं बैठूँ छाँव में, यहाँ पर धूप ही धूप है। वहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, चलते हैं वहीं पर। हम आ चुके इस पेड़ के नीचे, यहाँ पर हम बैठेंगे। हाँ, यहाँ पर बैठने का स्थान भी है, देख सकते हैं नीचे, देखिए अच्छा है। यहाँ पर हम बैठेंगे या आराम करने के लिए सही है यहाँ पर। और इस पर हम रख देते हैं अपना बोतल। अच्छा से चल जा रही भैया, गिरना मत, ओ गिर जाएगा। से हम यहाँ पर टिक कर देते हैं नीचे, आराम से तू रहो और मैं यहाँ पर बैठता हूँ मैं भी। अभी पापा और मम्मी जी नहीं आए हैं, पापा और मम्मी जी आ चुके हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए थे लेकिन अब हम चलेंगे क्योंकि बोझा बांधना है हमें, तो बहुत ज़्यादा धूप होगी तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होगी, धूप लगेगा। सो अपना बोतल उठाते हैं और चलते हैं खेत में। वाह, अरे यार गिर गया। तो अब चलते हैं, सो गाइस ये देख सकते हैं, ये है गुरी, इससे ही बोझा बनाता है। और ऐसे सरिया कर ये गुरी लगाई गई है और इस बार ये रखा गया है। चलते हैं और बोझा बांधते हैं। तो गाइस इसको इस तरह बटोरते हैं, इसको हम जित जाए बन है ना, जित जाए पत्र घुमा दिया। अच्छा अच्छा इसको उठाकर और इसको इस तरह लेकर जाकर और इस पर रख दे। सो गाइस अभी हम आधा बांध चुके हैं और आधा अभी है। इधर देखिए, इधर से इधर तक, और इधर अभी बकाया है, इसको भी बांध देते हैं, उसके पश्चात आपको मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने बांध दिया बोझा, देख सकते हैं चारों तरफ। और अब हम चल रहे हैं दूसरे खेत पर, वहाँ पर भी बांधना है और हो सके तो शाम को हम उसे ढो भी देंगे और परसों के डेट में उसे दबा देंगे। उसके पश्चात उसे ढोना रह जाएगा और एक और खेत रह जाएगा, वो अभी पक रहा है, अभी वो पूरी तरह से पका नहीं है, सो वो उसमें बहुत समय है अभी तक, लेकिन अभी ये सब काम कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं दूसरे खेत पर, सो जाकर दूसरे खेत पर मिलते हैं। आ चुके दूसरे वाले खेत पर, देख सकते हैं शाम को इससे हम लोग काट चुके थे, सो अब हम इसको बांधेंगे। अभी हम पानी पीते हैं जो बोतल में हम लाए थे, पानी पीकर उसके पश्चात इसको बांधेंगे, उसके पश्चात चलेंगे घर यहाँ का बांध कर।
सो गाइस यहाँ का भी हमने बांध दिया, देख सकते हैं। सो अब हम चलेंगे घर पर। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत आराम भी किया, यहाँ पर पेड़ों की छांव में। यहाँ पर हमने लिप्टिस लगा रखा है अपने खेत के कोने कोने साइड। सो अब निकल रहे हैं हम घर को और आएंगे अब शाम को। शाम को इसे ढोना है। सो मिलते हैं आपको।